हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी नाश्ता। उसके लिए मैंने सारा तैयारी कर ली हूँ। इधर गाजर है, हरा मिर्च, आलू, मटर, प्याज, बादाम और ये किशमिश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है, टाइम भी बहुत कम लगता है और इसमें सारा सब्जी है तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में तेल, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आलू, अब इसमें डाल देंगे गाजर, अब इसमें डालेंगे बादाम, अब इसमें डाल देंगे प्याज, अब इसमें डाल देंगे हल्दी, अब डाल देंगे मटर, फिर डाल देंगे चावल, नमक डालकर अच्छे से मिला देंगे। इधर चूरा को धोकर छानकर निकाल लेते हैं। अब ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो सारा सब्जी अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी, फिर डाल देंगे किशमिश, और इसे अच्छे से मिला देंगे। सबसे लास्ट में डाल देंगे पोहा, चूरा पोहा, और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो टेस्टी पोहा बनकर तैयार है। मैं आप सबको निकाल कर दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अभी के टाइम में तो मार्केट में आसानी से सभी सब्जी मिल जाती है, जैसे कि गाजर, मटर, गोभी, आलू। ताज़ा ताज़ा सब्जी जल्दी पक भी जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा पोहा। और डेली टेंशन होता है सुबह में नाश्ता क्या बनाएं, तो ये सुबह का नाश्ता में बहुत ही अच्छा है, हल्का भी रहता है और टेस्टी भी लगता है। और इसमें सारी सब्जी है तो हेल्दी भी है। तो मैं अभी अंशु को दूंगी खाने के लिए और उसको लंच में भी दूंगी ये पोहा। तो मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा मिक्सचर डाल दी हूँ ताकि ये और टेस्टी हो जाए, खट्टा मीठा। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना हेल्दी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। और आज की मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो ही पे एंड करती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।